अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। स्वागत है आपका हिंदी सिनेमा के उस युग में जहां हजारों अनमोल फसाने हैं, तराने हैं जो अभी आपको सुनाने हैं, सुहाना सफर विद अनु कपूर में स्वागत है आप सबका। आज की महफिल में चर्चा होगी साल 1955 की, ईयर ऑफ 1955। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। एक बार फिर मैं अनु कपूर आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज चर्चा 1955 की फिल्मों की। 1955 कहते ही ऐसा लगता है कि बहुत गुजरा हुआ जमाना, आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा। चर्चा करेंगे एक फिल्म की जिसका नाम झनक झनक पायल बाजे, वी शांताराम की फिल्म थी। नाम से ही पता पड़ता है कि म्यूजिकल डांस ड्रामा होगा। म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर फिल्म इंडस्ट्री। म्यूजिक के बगैर तो बहुत कम फिल्में बनी हैं। आप में से कोई बता सकता है, बिल्कुल जिस फिल्म के अंदर कोई गाना डांस म्यूजिक उस तरह से नहीं हो कोई, जी बता सकते हैं? शायद मुझे याद आ रहा है एक दो ही फिल्में ऐसी हैं जिसमें, एक फिल्म तो आप ही ने की थी, एक रुका हुआ फैसला। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी जी बताइए। पुष्पक में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। कमल हासन की पुष्पक फिल्म के अंदर कोई नहीं था। इत्तफाक भी यश चोपड़ा ने फिल्म डायरेक्ट की थी, बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के लिए, उसके अंदर भी कोई गीत नहीं था। लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में हैं, अमूमन हमारी फिल्मों के अंदर डांस और गाना इंटेग्रल पार्ट होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या हिंदुस्तानी फिल्म का। तो झनक झनक पायल बाजी की म्यूजिकल डांस ड्रामा है। वी शांताराम ने मेन हीरो के रोल के लिए लिया फेमस कथक डांसर जो फिल्मों में आकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, गोपी कृष्ण को। अब गोपी कृष्ण के साथ हीरोइन के रोल के लिए किसको लें, तो उन्होंने लिया अपनी तत्कालीन साली संध्या को। जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं मुझे? क्योंकि इस फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या संध्या जी बहुत कमाल की डांसर थी या कुछ उन्होंने डांस की कभी नहीं। देखिए जहां तक हमारे पास जानकारी है, इस तरह का तो कोई प्रमाण मिलता नहीं है कि संध्या बहुत अच्छी डांसर थी या बहुत आला दर्जे की अदाकारा रही हो वो, या बहुत नामी अदाकारा रही हो, जहाँ तक हमें प्रमाणित मिलता है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर। लेकिन वो साली थी, शायद जो राजश्री की माँ थी उनकी बहन थी वो, और वी शांताराम की साली थी, यही अपने आप में सबसे बड़ी काबिलियत थी। भैया बड़े आदमी की साली जो होती है वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़े आदमी का तो नौकर ही बहुत बड़ा चीज़ होता, तो साली की तो बात क्या है। तो उन्होंने संध्या को, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन डांसर, इतनी अच्छी डांसर नहीं थी, उन्होंने हीरोइन के लिए लिया। म्यूजिकल फिल्म बनी, लेविश सेटिंग थी, म्यूजिक था, और इसमें कहते हैं उन्होंने एक डांस को, स्टील डांस को इंट्रोड्यूस किया हिंदी फिल्म में। गीत अगर आपको याद दिलाना चाहूँगा, सुनो 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 जी मोरे रसिया में, इस तरह के डांस फॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया था। गाने सारे सुपरहिट हुए और प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल भी इस फिल्म को मिला। इस फिल्म में पहली बार हमारे दर्शक सुन पाए कवित्त। आप बता सकते हैं, कवित्त का इस्तेमाल बहुत किया है। कवित्त क्या चीज़ होती है आप बता सकते हैं? हमारी जो पोइट्री है, हमारी जो कविता है, हमारे मध्ययुग की कविता है जो, उसके अंदर बहुत इस्तेमाल किया गया है। और हमारे श्रोताओं को बता दूं कवित्त क्या है, जिसे बाद में पूरा हिंदुस्तान झूम पड़ा कि जी रैप जो है वो तो कमाल की चीज़ है। आपको मैं बता देता हूं, ये हमारे भारतीय साहित्य के अंदर ये सो कॉल्ड रैप ज़्यादा नहीं, लगभग 1500 साल पुराना है। हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती थी, तीन बेरे खाती थी वो, तीन बेरे खाती थी नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती थी, ये कब का? शिवा को बखानु के बघानु छत्रसाल को, निकसते म्याने ते मयूर कहते फानु कहते फारे तम तोम से गए गए नके जाल। अरे भैया
तुमको अभी इस प्रोग्राम के शुरुआत में एक बात कही थी कि अपने यहाँ ही बहुत कमाल के खजाने छुपे हैं, कहाँ भाग रहे हैं उन गोरों के पीछे। बहुत कुछ है हिंदुस्तान में। इस फिल्म का जो ओपनिंग टाइटल म्यूजिक है, चर्चा कर रहे हैं झनक झनक पायल बाजे की, वो उस्ताद आमिर खान साहब ने गाया था। इस फिल्म को हिंदुस्तान की पहली म्यूजिकल फिल्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे जैसे निवेदन किया था, म्यूजिक तो प्रमुख चीज़ है, म्यूजिक के बिना तो हिंदुस्तानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में म्यूजिक शामिल है। ऐसी फिल्म है इंद्रसभा, फिल्म के अंदर 50 गाने थे। ये झनक झनक पायल बाजे टेक्निकलर फिल्म बनी थी, तो चर्चा चल रही है। वापस आकर बात करेंगे एक बेटी की जो हीरोइन बनना चाहती थी, जिसे लॉन्च किया उसकी मदर ने, और ये बेटी जैसे ही हीरोइन बन गई, स्टार बनने के बाद उसके संबंध ही बिगड़ गए उस माँ से जिसने उसे लॉन्च किया था। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।